हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास क्लास 11th चैप्टर नंबर 9th का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 11th चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 इसका नाम हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब बता देता हूं। देखिए सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, इन विच ऑल द टर्म्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमास एंड रिलेटेड टू ईच अदर अंडर सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा 1, 2, 4, 7, 11, 16 और आगे की टर्म मैं नहीं बता रहा आपको। यू कैन सिंपली रिकग्नाइज दिस। आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इसको, देखिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, ऑल द टर्म्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमास एंड ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड टू इच अदर अंडर सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब यहां देखिए 1 का डिफरेंस है, यहां 2 का, यहां 3, यहां 4, यहां 5 और ये अंडरस्टूड है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, दैट इज वेरी गुड सपना, बहुत अच्छा बताया आपने। कितना आ जाएगा हमारे पास 22। अब इसी तरीके से हमारे पास सीरीज क्या होता है वो देखिए, अगर सीरीज की बात करता हूं सेम डेफिनेशन है, ऑल द टर्म्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस साइन। बी केयरफुल अबाउट स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ सीरीज All the terms are separated with the help of plus or minus sign and all the terms related to each other under certain specific properties. अगर example लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया यहां पे, मैंने ले लिया 2 + 4 + 6 + 8 + अब आप easily बता सकते हैं यहां पे 2 + 4 + 6 + 8 + अगली टर्म कौन सी आ जाएगी स्टूडेंट, यहां 10 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशंस को आप बिल्कुल बढ़िया से लिखेंगे, शाबाश। मिस्टर मोहित आप बताइए, अगर मैं आपसे देखो सीधी सी बात है, 10th क्लास में भी अभी जस्ट आपने पास आउट हुए हो आप उससे, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां हमारे पास एपी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो बताइए मिस्टर मोहित। वेरी गुड, शाबाश। देखिए एपी जो हमारे पास होता है, देखिए सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, सीरीज मैंने बताया ऑल द टर्म्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस साइन एंड ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू इच अदर अंडर सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब मैं बात कर रहा हूं जो इसका पोर्शन है एपी एंड जीपी। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एपी के बारे में, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आराम से पढ़िए, बिल्कुल कंफर्टेबल। देखिए एपी हमारे पास क्या होता है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हमारे पास होता है, हमारे पास ऐसे सीक्वेंस या सीरीज, जैसे मैं यही ले लेता हूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ठीक है, एपी का मतलब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई हमारे पास टर्म्स दे रखी है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। इसमें जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक देखिए जो फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है उसको हम A1 के नाम से जानते हैं और जो सेकेंड टर्म है A2, थर्ड टर्म को A3, उसके बाद इसको A4, इसको A5, इसी तरीके से हम चलते जाते हैं। अब देखिए किसी किसी बुक में हम इसको A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको TN से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, किसी किसी बुक में C1 से भी कर देते हैं, C1, C2, C3, C4, C5। ये जो टर्म्स मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल टर्म्स के कैटेगरी में आती है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी बातें वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, जनरल टर्म।
अब यहां से हम आ जाते हैं स्टूडेंट जनरल टर्म के बारे में। अब जनरल टर्म क्या होती है, जिसको हम टी एम से लिख दीजिए, सी एम से लिख दीजिए, ए एम से लिख दीजिए, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां ए क्या होता है, ए हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म, एन हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हमारे पास क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जो डी हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और जो टी एन सी एन या ए एन है इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर जनरल टर्म, जनरल टर्म। ठीक है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। टेंथ क्लास में जैसे आपने बिल्कुल इजीली पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एपी में कोई भी सीक्वेंस या सीरीज एपी में होगी तो जितनी भी टर्म्स हमारे पास गिवन है उन सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस जो है वो सेम होगा। अब यहां देखिए, अब देखो डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमारे पास टू था, अब यहां हमारे पास ए वन क्या गिवन है, ए वन है टू, और ए टू क्या है हमारे पास फोर, तो डी क्या होता है, डी हमारे पास होता है ए टू माइनस ए वन, या आप ये कह सकते हो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, ए टू माइनस ए वन। अब ए टू हमारे पास कितना था, यहां फोर माइनस ए वन कितना है टू, तो यहां हमारे पास डिफरेंस कितना है टू। इसी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगेन हमारे पास अगर इसी तरीके से वेरीफाई करेंगे डी ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है हमारे पास सिक्स, माइनस ए टू कितना है फोर, तो अभी डी हमारे पास दो आ रहा है। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं, अगेन हमारे पास डी अगर कैलकुलेट करते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री दैट इज एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा। अब यहां से देखिए जितनी भी टर्म्स हमारे पास गिवन है, ए टू माइनस ए वन डिफरेंस टू आ रहा है, ए थ्री माइनस ए टू डिफरेंस टू आ रहा है, ए फोर माइनस ए थ्री डिफरेंस टू आ रहा है, एंड ए फाइव माइनस ए फोर डिफरेंस हमारे पास टू आ रहा है। और कोई हमसे पूछता है इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, अब मैं वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूं। देखिए हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर सिक्स टर्म फाइंड आउट करेंगे, यहां वैल्यू रखते हैं पहले ए, देखो ए क्या है, ए हमारे पास यहां से फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टू को, ठीक है, ए हमारे पास क्या है टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये जितनी भी कैटेगरी हमारे पास है, देखिए एन कितना है हमारे पास, एन की वैल्यू है सिक्स, सिक्स माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू अभी भी हमने कैलकुलेट की थी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू, देन ए सिक्स कितना गया हमारे पास टू प्लस फाइव इंटू टू, कितना आ गया टू प्लस टेन दैट इज ट्वेल्व, तो ए सिक्स जो सिक्स टर्म हमारे पास है कितनी आ गई ट्वेल्व। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें वही है जो आपने टेंथ क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि हमारे पास एपी क्या होता है, एपी क्या है हमारे पास मैथमेटिक प्रोग्रेशन, और कोई भी सीक्वेंस या सीरीज जो भी हमारे पास होगी अगर हम उसको एपी में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जितनी भी टर्म्स हमारे पास दे रखी है उन सब के बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। एक बार मैं रिकैप्चुलेशन कर देता हूं, देखिए ये हमारे पास सीरीज है ए वन ए टू, इनको आप देखिए किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन अलग अलग बुक में मिल जाएगी आपको। अब यहां सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया डी हमारे पास है ए टू माइनस ए वन, यहां से भी टू आ रहा है, हमने कैलकुलेट कर लिया कि डी हर केस में सेम आ रहा है तो हम श्योर हैं कि ये हमारे पास एपी में होगा। और जो जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए हमारे पास क्या होता है फर्स्ट टर्म, इनको जनरल टर्म के नाम से जानते हैं, और यहां ए सिक्स हमने इजिली फाइंड आउट कर लिया ए सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व। अब
जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में 9.1 एक्सरसाइज है, मैं वो कवर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट, मोहित विशाल नोट करिए प्लीज। ओके मैं क्लियर कर रहा हूं स्टूडेंट्स इसको। अब देखिए जो 9.1 एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी की बुक 11th क्लास, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसने अब हमें क्या बोला है कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय, हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth term, देखिए स्टूडेंट जिसकी nth term जो हमारे पास गिवन है वो है a n is equal to n into n plus 2, ये स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स। वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस a n, कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, यहां पर वन बाय वन हमें वैल्यूज पुट करनी है इनकी, n की वैल्यू पहले मैं 1 पुट कर देता हूं। a 1 हमारे पास कितना आ गया, 1 into 1 plus 2 that is 1 into 3 is equal to 3, a1 कितना गया हमारे पास 3, इसी तरीके से n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, इसको नंबर 1 रख लेते हैं। अब अगेन हमारे पास n की वैल्यू 2, जैसे मैं पुट करता हूं 2 into 2 plus 2 कितना गया 2 into 4 is equal to 8, इसी तरीके से n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, a3 is equal to 3 into 3 plus 2 अगेन कितना आ जाएगा 3 into 5 15, अगेन n की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, a4 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 into 4 plus 2 4 into 6 that is 24, लास्ट जो n is equal to 5 हम पुट करेंगे, a5 is equal to 5 into 5 plus 2 5 into 7, 35. Be careful about it students, कि जितने भी values है, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, and n is equal to 5, ये सारी values 1 by 1, हम जो equation number 1 है, put करते जाएंगे, हमारा answer आता जाएगा, ठीक है, पहले मैंने 1 put किया, फिर 2 put किया, फिर 3 put किया, फिर 4 put किया, फिर 5 put किया, पहला question इस तरीके से हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 बिल्कुल इजीली आ जाएगा। You understand that students? कोई भी नया काम नहीं है, सारा वही है, अभी तो 10th level के according ही चल रहा है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखिए students, अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है? The next question हमारे पास आ रहा है, उसकी statement मैं लिख देता हूँ। अब देखिए students हमारे पास question करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब की बार, क्वेश्चन नंबर 7 सारी वैल्यूज वैसे ही हमें पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस, वी हैव टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड टर्म, इंडिकेटेड टर्म का मतलब जो इसने पूछा है हमसे, जिस टर्म के बारे में पूछा है स्पेसिफाइड, हम उसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो स्पेसिफाइड टर्म इसने हमसे पूछी हम वही फाइंड आउट करेंगे। देखिए इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय, इसने nth टर्म हमारे पास गिवन है, nth टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस 3, इसने हमसे पूछा है a17 और इसने हमसे पूछा है a24, ठीक है, ये हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, a17 और a24 कैलकुलेट करना है, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड बस इसने छोटी छोटी वैल्यूज हमसे पूछ लिया, a17 अगर a17 तो n की वैल्यू हमने 17 पुट कर दिया इसमें नंबर 1 में, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, a17 इज इक्वल टू 4 into 17 माइनस 3, 17 फॉर द 68,
माइनस थ्री इज इक्वल टू 65। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स ने A17 हमसे पूछा, A17 हमने बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से 24 और कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए एन के और 24 हमने 1 में पुट कर दिया, कितना आ गया A24 इज इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 3। ठीक है, 24 फॉर द 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 93। वेरी सिंपल क्वेश्चंस दीज आर। A17 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, A24 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस हुज एन टर्म इज गिवन बाय। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म मतलब जो हमसे पूछा गया, जो टर्म के बारे में पूछा गया वो फाइंड आउट करना है। तो जिसकी एन टर्म हमारे पास गिवन है, एन टर्म ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस टू, इसने हमसे पूछा है एन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस थ्री, डिवाइडेड बाय एन प्लस थ्री, और इसने हमसे पूछा है A20। ठीक है, A20 हमें कैलकुलेट करना है, A20 एन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस थ्री, A20 हमें कैलकुलेट करना है। कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दिस वन इज। तो देखिए अब A20 बस सीधी सी बात है, जो भी ये सीक्वेंस दे रखा है यहां एन के और 20 पुट कर देते हैं। A20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 3, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यस मिस्टर निशांत बताइए प्लीज। वेरी गुड, कितना है हमारे पास, दैट इज 18 डिवाइड बाय 23। 18 टू जा 360 डिवाइडेड बाय 23। तो A20 हमने वेरी सिंपली कैलकुलेट कर लिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है एन की वैल्यू, और हम अपने आंसर तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। देखिए अगेन अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, मिस्टर निशान जल्दी नोट करिए प्लीज। आगे चले स्टूडेंट्स, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार आप बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11th है, क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है हमारे पास, फर्स्ट 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस A1, जिसमें A1 हमें गिवन है 3, और An जो हमारे पास गिवन है 3An-1, ये बेस में है ध्यान रखिएगा, प्लस 2N>1। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। स्टूडेंट्स इतना बेटा ध्यान से देखिए प्लीज, इसने क्या बोला, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हमें कैलकुलेट करना है। इसने हमें A1 की वैल्यू 3 दे रखा है, An इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ An-1 प्लस 2N>1। बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, देखिए जो इस टाइप का सीक्वेंस, मैं एक नाम बता रहा हूं उसके बारे में डिटेल में अभी 2 मिनट के बाद आपको बताऊंगा, फिबोनैसी सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, नंबर्स के बारे में बताऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। देखिए इसे क्या बोला, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हमें कैलकुलेट करना है, और ये A1 की वैल्यू पहले से ही हमें गिवन है, A1 की वैल्यू इसने हमारे पास दे रखी है, A1 इज इक्वल टू 3 गिवन है, और An जो है वो 3 टाइम्स ऑफ An-1 प्लस 2 कोमा N की वैल्यू जो है वो 1 से हमें बड़ी लेनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, इसने हमें एन की जो वैल्यू है एक से बड़ी लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि देखिए अगर मैं एन के वन लेता हूं तो वन के लिए तो पहले से ही डिफाइन है। अब एक से बड़ी ले लेते हैं हम, एन की वैल्यू एक से बड़ी हमने ले लिया, पुट कर दिया एन इज इक्वल टू टू। बी केयरफुल अबाउट इट स्टूडेंट्स, एन की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ए। एन की वैल्यू क्या थी, टू माइनस वन प्लस टू, कितना गया हमारे पास थ्री ए, टू माइनस वन वन प्लस टू इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री। अब ए वन की वैल्यू तो गिवन थी हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स, ए वन की वैल्यू तो गिवन थी, ए वन की वैल्यू कितनी है थ्री, ए वन की वैल्यू थ्री प्लस टू इज इक्वल टू नाइन प्लस टू इलेवन, आंसर आ गया हमारे पास, मतलब ए टू हमारे पास कितना इलेवन। इसी तरीके से एन की वैल्यू थ्री अगर हम पुट कर देते हैं इन वन, अगर n इज इक्वल टू थ्री हम वन में पुट कर देते हैं, कितना गया हमारे पास a3 थ्री इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ a3 थ्री माइनस वन प्लस टू। इसको ध्यान से लिखिएगा, ये बेस में लिख रखा है हमारे पास, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, जनरल टर्म्स के लिए लिखा गया है a n माइनस वन, तो थ्री टाइम्स ऑफ a थ्री माइनस वन कितना जाएगा स्टूडेंट, थ्री a टू प्लस टू, थ्री टाइम्स ऑफ ए टू की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट की हमने, कितना गया हमारे पास इलेवन प्लस टू, कितना गया स्टूडेंट्स थर्टी थ्री प्लस टू, कितना गया हमारे पास थर्टी फाइव। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसे फाइव टर्म्स हमसे पूछा था, एन की वैल्यू एक से बड़ी हमें कंसिडर करनी है, एन की वैल्यू सबसे पहले मैंने टू लिया, A1 पहले से ही गिवन था, हमने A1 की वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद हमारे पास n की जैसे हमने 3 पुट किया तो यहां A2 आ गया, A2 की वैल्यू मैं यहां कैलकुलेट कर चुका हूं, अब यहां A3 की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से हम n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7 आगे बढ़ते जाएंगे, पांच क्या हम कितनी भी टर्म्स यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं साफ कर देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल कंफर्टेबल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, द फिबोनाची सीक्वेंस, देखिए जो सबसे पहले हमारे पास ने जो दिया है दैट इज योर, बी केयरफुल अबाउट दिस वर्ड, ध्यान से देखिएगा, जो फिबोनाची सीक्वेंस हमारे पास दे रखा है वो क्या गिवन है इसने, ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू वन एंड ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एन ग्रेटर देन टू। देखिए जो फिबोनाची सीक्वेंस हमारे पास दे रखा है जिसके अंदर इसने बोला ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या होगा कि ए वन की वैल्यू भी वन है और ए टू की वैल्यू भी हमारे पास क्या है वन है, और जो जनरल सीक्वेंस दे रखा है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू हमारे पास गिवन है, ठीक है, और एन की वैल्यू ग्रेटर देन टू। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसने एन की वैल्यू दो से बड़ी लेने के लिए क्यों बोला है, ठीक है, और इसने बोला है हमें फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट ए एन प्लस वन डिवाइड बाय ए एन फोर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से आप ट्राई कर सकते हो,
सबसे पहले जो इसने ऊपर ऊपर लिखा है इसका मतलब समझिए, इसने क्या बोला फिबोनैची सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, सबसे पहले फिबोनैची नंबर हमारे पास क्या होते हैं उस नंबर के बारे में देखिए आप, जैसे आपने नेचुरल नंबर वगैरह पढ़े है ना, ऐसे ही हमारे पास फिबोनैची जो नंबर हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं देखिए। जैसे सबसे पहले मैंने वन लिखा है यहां पे, अब वन से पहले मैंने कुछ लिखा नहीं तो यहां अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा वन। अब सोच रहे हो यार क्या चल रहा है, अब देखो इस वन से पहले मैंने क्या लिख रखा है वन, इसमें ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा टू, ठीक है। अगला नंबर क्या आएगा इस टू में, ये वन इससे पहले वाला जो नंबर है वो ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा थ्री, अब इस थ्री में इससे पहले वाला ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा फाइव, इस फाइव में इससे पहले वाला ऐड कर दीजिए फाइव प्लस थ्री कितना आ जाएगा एट, ठीक है। एट में इससे पहले वाला ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा थर्टीन, थर्टीन में एट ऐड करो कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन आ जाएगा। इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। ये जो नंबर्स हमारे पास होते हैं नंबर्स हम क्या कहते हैं, दैट इज योर फिबोनैची नंबर्स, वन वन टू देन थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन, कुछ भी नहीं करना, पहले वन लिख लिया हमने, फिर अगेन वन लिख दिया, फिर इससे पहले कुछ था नहीं एड करने के लिए, फिर वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी वन, इसी तरीके से ट्वेंटी वन प्लस थर्टीन, इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं थर्टी फोर एंड लाइक दिस, ठीक है। अगर कोई हमें हमसे फिबोनैची नंबर्स के बारे में पूछ रहे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, देखिए इसने हमें ए वन और ए टू इन दोनों की वैल्यूज तो गिवन है दैट इज वन, एंड ए एन इज इक्वल टू, ये एन की वैल्यू दो से बड़ी, क्यों, क्योंकि अगर मैं एन की वैल्यू वन और टू रखता हूं तो दोनों के लिए मुझे पहले से ही पता है, इसको हम अगेन वन पुट कर देते हैं। नाउ पुट एन इज इक्वल टू थ्री, इसने बोला है ना दो से बड़ा लेना है, एन की वैल्यू हमने थ्री ले लिया, ठीक है, इन वन लिख देता हूं ए थ्री, एन की वैल्यू थ्री पुट कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास ए थ्री माइनस वन प्लस ए थ्री माइनस टू, तो कितना आया स्टूडेंट ए थ्री माइनस वन ए टू प्लस ए वन, अब ए टू वैल्यू कितनी थी वन, ए वन की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट्स वन, फाइनली हमारे पास ए थ्री की वैल्यू कितनी आ गई टू। ये काम आएंगे तो इनको संभाल के रखते हैं, एन इज इक्वल टू फोर हमने पुट कर दिया, एन इज इक्वल टू फोर इन वन, अगेन पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स एन की वैल्यू फोर पुट करेंगे, ए फोर इज इक्वल टू ए फोर माइनस वन प्लस ए फोर माइनस टू, कितना आ गया हमारे पास ए थ्री प्लस ए टू, ए थ्री की वैल्यू भी कैलकुलेट की हमने कितनी है टू, और ए टू की वैल्यू हमें पता था वन, तो यहां से स्टूडेंट्स ए फोर की वैल्यू कितनी आ गई थ्री। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगेन हमारे पास एन की वैल्यू फाइव पुट करते हैं, अब एन की वैल्यू जैसे हम फाइव पुट करेंगे कितना आ जाएगा ए फाइव इज इक्वल टू ए फाइव माइनस वन प्लस ए फाइव माइनस टू, कितना आ गया स्टूडेंट्स ए फोर प्लस ए थ्री, ए फोर की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट की हमने थ्री प्लस ए थ्री की वैल्यू कितनी है टू, तो फाइनली हमारे पास ए फाइव की वैल्यू कितनी आ गई फाइव, ठीक है। अब अगेन एन की वैल्यू अगर हम सिक्स पुट कर देते हैं, एन की अगर हम सिक्स पुट कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए यहां पुट कर रहा हूं इन वन, वन में पुट करते हैं कितना आ गया स्टूडेंट्स ए सिक्स इज इक्वल टू ए सिक्स माइनस वन प्लस ए सिक्स माइनस टू, ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस ए फोर, ए फाइव, ए फाइव हमने अभी कैलकुलेट किया है, ए फाइव कितना है फाइव प्लस ए फोर कितना है थ्री, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ए सिक्स की वैल्यू कितनी आ गई एट आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसने क्या बोला फाइंड आउट ऑल दीज,
हमें ये सारे फाइंड आउट करने हैं एन इजिकल टू वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। नाउ सबसे पहले एन इजिकल टू वन करते हैं, पुट किसमें, देखिए ए वन प्लस वन डिवाइड बाय ए वन। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास, ए टू बाय ए वन। हमें ए टू की वैल्यू भी पता है वन, ए वन की वैल्यू भी पता है, फाइनल आंसर क्या है वन। n इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू टू पुट करते हैं कितना आ गया, ए टू प्लस वन डिवाइड बाय ए टू। कितना आ गया स्टूडेंट्स, ए थ्री डिवाइड बाय ए टू। ए थ्री की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, टू। ए टू की वैल्यू क्या थी, वन। फाइनल आंसर इज टू। अगेन एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू थ्री पुट करिए, ए थ्री प्लस वन डिवाइड बाय ए थ्री। कितना आ गया स्टूडेंट्स, ए फोर बाय ए थ्री। ए फोर की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी हमने कितनी, थ्री। ए थ्री की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, टू। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। एन की वैल्यू फोर, एन की वैल्यू फोर पुट करते हैं कितना आ गया, ए फोर प्लस वन डिवाइडेड बाय ए फोर, ए फोर प्लस वन ए फाइव डिवाइड बाय ए फोर। ए फाइव की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइव। ए फोर की वैल्यू कितनी है, थ्री। गॉट इट स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अब तो लास्ट वैल्यू है, कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट वैल्यू है n इज इक्वल टू फाइव, n इज इक्वल टू फाइव अगर मैं यहां पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ए फाइव प्लस वन, ए फाइव प्लस वन डिवाइड बाय ए फाइव। कितना आ गया स्टूडेंट्स, ए सिक्स बाय ए फाइव। ए सिक्स हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना हमारे पास, एट डिवाइड बाय ए फाइव कितना है, फाइव। तो देखिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल थी स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए यहां हमारे पास जैसे मैंने पहले सीक्वेंस दे रखा है जिसके अंदर क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एक या दो टर्म्स के बारे में हमें पहले से ही पता होता है और उसके बाद जो डिफाइन करने के लिए बोला गया हो हम उसको डिफाइन करते हैं वन बाय वन। ठीक है, इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन टू मतलब एन की वैल्यू थ्री फोर फाइव सिक्स तक हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट में इसने पूछा था फाइंड आउट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव के लिए हम सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करते गए और हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो अगली एक्सरसाइज हमारी है 9.2 मैं उसको कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजिली आप एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को और आगे बढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।